जी 24 कलाक पर उत्तर प्रदेश ना कानपुर थी मोटा समाचार सामे आवी रह्या छे। कानपुर मां कुख्यात गुंडा ने पकड़वा माटे गयेली पोलिस उपर घातक हुमलो थयो छे, जेमां सीओ अने एसओ सहित 8 पोलिस शहीद थई गया छे। जी हां, जानकारी मुजब विक्रू गामनी अंदर कुख्यात गुंडो विकास दुबे ने पोलिस पकड़वा गई, जे दरमियान छत परथी पोलिस पर फायरिंग थयो। मोड़ी रात्रे बनेली आ घटनामां 8 पोलिसकर्मीना मृत्यु थई गया छे अने 7 पोलिसकर्मी गंभीर रीते इजाग्रस्त थया छे। पोलिसकर्मी पर थयेला फायरिंग बाद 3 आरोपीओने एन्काउंटर करी अने ठार करवामां आव्या छे। हजु पण बीजा आरोपीओने झड़पी पाडवा माटे पोलिसनो चुस्त बंदोबस्त गोठवाई गयो छे। हाल इजाग्रस्त थयेला पोलिसकर्मीओ होस्पिटलमां सारवार हेठळ छे। समग्र घटना मामले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथे शहीद पोलिसकर्मीओने श्रद्धांजलि आपी छे। आ साथे ज तेमना परिवारजनोने आश्वासन पण आप्युं छे। समग्र घटना मामले कड़कमां कड़क कार्यवाही करवाना आदेश करी देवामां आव्या छे। विकास दुबे एज बदमाश आरोपी छे, जेणे 2001 राजनाथसिंह सरकारमां मंत्री संतोष शुक्लानी ऑफिसमां घुसीने हत्या करी हती। आ कुख्यात गुंडा सामे 60થી વધુ કેસ નોંધાયેલા છે। પોલીસકર્મીઓ પર થયેલા હુમલાથી દેશભરમાં રોષ છે। હાલ પોલીસ કાફલો આ તમામ આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે તૈનાત છે। और शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे, इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पर गोलियाँ लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कमी प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जाते हैं उसमें जाते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही हैं, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं वहां से भी पुलिस बल बुला लिया गया है और हम शीघ्र जो है कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। અને હવે વાત કરીએ રાજ્યમાં કોરોનાની સ્થિતિની, તો ગુજરાતમાં કોરોના વાયરસના રેકોર્ડ બ્રેક કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે। રાજ્યમાં 24 કલાકમાં કોરોનાના 681 નવા કેસ નોંધાયા છે। 24 કલાકમાં 19 દર્દીના મૃત્યુ થયા, 563 લોકો રિકવર થઈ ગયા છે। ગુજરાતમાં કોરોનાના કુલ 33,999 કેસ થયા છે, 1,888 લોકોના મૃત્યુ થયા છે। કોરોનાની સારવાર બાદ કુલ 24,601 દર્દી રિકવર થઈ ચૂક્યા છે। હાલ 7,442 દર્દી સ્ટેબલ છે, 68 દર્દી વેન્ટિલેટર ઉપર છે। રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 3,88,065 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે। સુરતમાં 24 કલાકમાં 227 કેસ અને 4 લોકોના મૃત્યુ, તો અમદાવાદમાં 24 કલાકમાં 211 કેસ અને 7 લોકોના મૃત્યુ, વડોદરામાં 57, રાજકોટમાં 26 અને ભાવનગરમાં 14 નવા કેસ નોંધાયા, તો જૂનાગઢમાં 13, બનાસકાંઠા અને સુરેન્દ્રનગરમાં 12 કેસ નોંધાયા। જામનગર, ભરૂચ, પાટણમાં 10, તો મહેસાણામાં 9 કેસ, વલસાડમાં 8, અમરેલી અને ગાંધીનગરમાં 7 કેસ, કચ્છ અને ખેડામાં 5, તો અરવલ્લીમાં 4 નવા કેસ, પંચમહાલ અને નવસારીમાં 4 નવા કેસ, આણંદ, સાબરકાંઠા અને ગીર સોમનાથમાં 3 કેસ, તો દાહોદ, છોટાઉદેપુર અને મોરબીમાં પણ 3 નવા કેસ, મહીસાગર, જામનગર અને તાપીમાં 1-1 નવો કેસ, તો દેવભૂમિ દ્વારકા અને પોરબંદરમાં પણ 1-1 નવો કેસ નોંધાયો છે।